अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा चिकन मलाई टिक्का और आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। चलिए चलते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। क्रीम ले लें 3/4 कप, दही ले लें 3/4 कप, मक्खन ले लें 40 ग्राम, हरी मिर्चें 2-3, कैश्यू पिसे हुए 11 से 12 अदद, काली मिर्चें 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, चिकन 500 ग्राम, हरा धनिया आधी कट्टी, लीमू 1 अदद, नमक हस्बे जायका, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून, ऑयल 1 टेबलस्पून। अब हरा धनिया और हरी मिर्चों को आप पीस लीजिए। चिकन की जो बोटी है उसको आप हल्के हाथों से इस तरीके से उस पर कोई भी हैवी चीज़ मार लें। अगर आपकी फ्रोज़न हो तो उस पर आप इस टाइप से नहीं कीजिएगा, अगर आप फ्रेश लें तो ये काम आप लोग लाजमी कीजिएगा। अब इसकी मैरिनेशन हम रेडी कर लेते हैं। चिकन डाल देंगे सबसे पहले, फिर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, दही, नमक, कैश्यू पिसे हुए, काजू पिसे हुए, काली मिर्चें आधी डालेंगे, पूरी नहीं डालेंगे, चाट मसाला भी थोड़ा डाल देंगे और थोड़ा बचा लेंगे, ये हरी चटनी जो हमने पीसी थी, और लीमू और ऑयल डाल देंगे। अब इन सारी चीज़ों को आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसको तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए रख दें। अब आप कढ़ाई में सबसे पहले तेल डाल देंगे, फिर उसमें मक्खन डाल देंगे 1 टेबलस्पून, और ये मैरिनेट हुई चिकन वो डालेंगे हम। आप मक्खन को पूरा मेल्ट मत होने दीजिएगा वरना वो ब्लैक हो जाएगा, जल जाएगा मक्खन, तो बीच में ही आप ये सारी चिकन डाल दें और इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए तेज़ आंच पर इस चिकन को आप फ्राई करें। अब इसको आप ढक दें तब तक के लिए कि चिकन गल जाए और पानी खुश्क हो जाए। ये देख लें काफ़ी हद तक इसका पानी ड्राई हो चुका है। अब इसकी तेज़ आंच को तेज़ करें, फ्लेम तेज़ करके, और इसको अगेन अच्छी तरह से भूनें कि इसका पूरा पानी खुश्क हो जाए। ये देख लें पानी खुश्क हो चुका है, अब इसको आप उतार दें। अब आप एक ग्रिल लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ग्रिल पे बनाएं या फिर मैं आगे आपको एक और तरीका दिखाऊंगी, आप उस पर इस चिकन को सेकें, लेकिन जो अच्छा और टेस्टी फ्लेवर आएगा वो आप इसको कोयलों पर सेकेंगे या ग्रिल जो मैं दूसरी चूल्हे पर सेकेंगे उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा। ये देख लें दूसरे तरीके से आप कोई भी ग्रिल को लेकर और उसको चूल्हे के ऊपर इस तरीके से एक एक बोटी को सेक लें। आप लोग जिसमें आपको सहूलत हो आप वो काम करें। आप दोबारा से एक कढ़ाई लें, उसमें बचा हुआ मक्खन, क्रीम, बचा हुआ चाट मसाला, काली मिर्च, ये सारी चीज़ों को डाल के आप जब तक के पकाएं कि इसमें एक उबाल ना आ जाए। अब इसमें उबाल आ चुका है जो हमने बोटियाँ सेकी थी, अब ये सारी बोटियाँ आप इसके अंदर डाल दें और इसको अगेन फ्राई करें कि बिल्कुल इसका मसाला ड्राई हो जाए। ये देख लीजिए अब इसके अंदर आप कोल रख दें, कोयला जलाकर कोयला डाल इसके ऊपर रख दें और इसके ऊपर तेल या घी डाल दें और इसको कवर कर दें 5 मिनट के लिए। मज़ेदार सा चिकन मलाई टिक्का रेडी है। अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।